हेलो दोस्तों, जिप्स कुकिंग में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे माँ की हाथ से बनाई हुआ सबसे स्पेशल वाला रोलिंग फिश करी। ये रोलिंग फिश को आप देखे होंगे, ये स्पेशली पॉन्ड्स में मिलते हैं। पॉन्ड में ही ये मछलियाँ होते हैं और इसका कलर थोड़ा डार्क कलर होता है और ये पूरा रोलिंग जैसे रोल जैसे ही दिखता है, इसलिए इसका नाम है रोलिंग फिश। ये मोस्टली ओडिशा और वेस्ट बंगाल में आपको मिलेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आपके ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। मोस्टली डॉक्टर्स इसको खाने के लिए एडवाइस करते हैं जिन लोगों का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है और ये प्रोटीन में हाई लेवल में भरपूर है। इसको देखिए, मैं आपको इसका जो ये जो खाना बनाने से पहले ये रोलिंग फिश कैसा था, देखिए पूरा जीता हुआ है ये, मतलब इतना जल्दी इसका लाइफ स्पान ख़त्म नहीं होता है। आप तेल में डालेंगे ना, तेल में डालने के बाद भी ये जंप करते हैं, उतना इनका लाइफ स्पान है, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब इसमें ये देखिए चूल्हा है साइड में। ये सब गांव में चूल्हा से ही खाना बनाते हैं बहुत सारे। अगर चूल्हा से खाना कैसे बनाते हैं विलेज वाला कोई ब्लॉग आपको चाहिए, मैं आपके लिए शेयर कर दूंगी। ये देखिए मछलियाँ मतलब कट करके रेडी हो रहे हैं पकने के लिए और उसके बाद थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक डाल के इसको मिला के रख लेंगे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने से पहले। इसमें जो भी बैड बैक्टीरियाज होंगे ये हल्दी डालने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे और खाने के लिए वो सेफ़ हो जाएगा। और इसको थोड़ा हाई फ्लेम में थोड़ा सरसों के तेल से ही फ्राई करेंगे। सरसों के तेल से मछलियों का मतलब आप करी बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आपके पास जो भी तेल है उससे आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से थोड़ा फ्लेवर उसका और ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी जैसे तंदूर जैसे आइटम में मस्टर्ड ऑयल डालते हैं ना, मछलियों में से स्वीट वाला मछलियों में मस्टर्ड ऑयल और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए फ्राई होके रेडी हो गया है रोलिंग फिश। आप ऐसे ही फ्राइड वाला रोलिंग फिश भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है इसका, मतलब इससे ये स्टिंक नहीं होता है, इसका स्मेल बहुत अच्छा स्मेल आता है, ख़राब स्मेल नहीं आता है, तो आपको खाने के लिए ख़राब नहीं लगेगा। अगर आपको फिश इतना खाना पसंद नहीं है ना, ये वाला फिश आप खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पूरा होल गार्लिक लिया है, इसमें 10 से 15 क्लोव्स होंगे और छोटा सा अदरक मैंने लिया है। मैं ये विलेज स्टाइल में फिश करी आपको बता रही हूँ इसलिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा मेलन सीड मैंने लिया है, वो ऑप्शनल है, और जीरा मैंने लिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच राई, इतना ही है। मेलन सीड डालने से थोड़ा आपका मछली का करी टेस्ट लगेगा। ये देखिए मैं इसको पेस्ट कर ली हूँ अच्छे से, थोड़ा पानी डाल के 3 चम्मच पानी डाल के ही मैं इसको पेस्ट की हूँ। ये रेडी हो गया है हमारा ग्रेवी का मसाला, रेडी हो जाएगा फिर अभी। ये देखिए थोड़ा सा प्याज, मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज को चॉप करके ली हूँ लॉन्ग साइज़ में, और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के 2 चम्मच ही सरसों का तेल डाल के मैं इस प्याज को गोल्डन होने तक ही मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए 2 चम्मच ही है, ज़्यादा तेल नहीं है इसमें, इसको गोल्डन होने तक ही आपको फ्राई करना है। अभी ऑलमोस्ट गोल्डन दिख रहा है तो इसमें हम जो पेस्ट किए थे ना मसाला उसको डाल देंगे। ये करी में मेरे माँ बना रहे हैं तो उनके हाथों से मछलियों का करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं सेम प्रोसेस फॉलो करती हूँ, फिर भी माँ के हाथों की जो मछली का करी का टेस्ट और उसका जो फ्रैग्रेंस नहीं आता है। और ये मसाले थोड़ा कच्चा टेस्ट जाने के बाद 4 में टमाटर डाल रही हूँ, छोटे साइज़ का टमाटर है। अगर आपके टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप 1 या 2 डाल सकते हैं। और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे। आप टमाटर के बदले, मतलब होल टमाटर डालने के बदले आप टमाटर का प्योरी भी डाल सकते हैं। ये जो मछली का करी, ये सर्विंग 3 पीपल है, तो 3 जन के लिए ही मछली का सब्जी बन रहा है।
इसके हिसाब से आप मसाला ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये देखिए अभी बॉईल होना शुरू हो गया, फिर नमक डाल रहे हैं। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए। और इसमें थोड़ा हल्दी भी मैं डाल चुकी हूँ, एक चम्मच हल्दी। फिर अभी चिकन मसाला हाफ स्पून ही डाले हैं, मतलब टेबल स्पून है तो हाफ स्पून, अगर टी स्पून है तो एक चम्मच, उतना ही है। और थोड़ा सा पानी डाल के आपको मसाला को और थोड़ा भून लेना है अच्छे से, ताकि इसका जो भी कच्चा वाला स्मेल है वो चले जाए। जितना भी आपको पानी चाहिए, अगर आपको थिक वाला चाहिए ना, कम पानी डालिए। देखिए फ्राइड फिश रेडी है कढ़ाई में जाने के लिए। देखिए थोड़ा मैं इसको ग्रेवी कर रही हूँ, तो थोड़ा चावल के साथ खाने के लिए। पानी जब बॉईल होना शुरू हो जाएगा, उसमें आपको फ्राइड वाला जो मछली है उसको डाल देना है। ये देखिए ये बॉईल होना शुरू हो गया, फिर फ्राइड वाला मछली डाल रहे हैं। इस मछली को पूरा होल खाते हैं, इसको कट करके नहीं खाते हैं, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और प्रोटीन में भरपूर है ये, तो आपको ज़रूर खाना चाहिए अगर आपको कभी भी चांस मिलता है रोलिंग फिश खाने के लिए। और इसको कवर कर लेंगे 5 मिनट के लिए। फिर बॉईल होने के बाद ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो गया है। ज़्यादा टाइम के लिए इसको पकाना नहीं है, क्योंकि हम इसको अच्छे से फ्राई कर दिए थे। थोड़ा मसाला का थोड़ा फ्लेवर ले लेगा, हाई फ्लेम में ही इसको बॉईल करना है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है मछली का करी। ज़्यादा आपको बॉईल नहीं करना है, नहीं तो आपकी मछली ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब ये मछली का करी। और इसको आप चावल के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बॉईल होने के बाद लास्ट को हम धनिया का पत्ता डाल देंगे। ये धनिया का पत्ता हमारे गार्डन में हुआ था, बहुत टेस्टी था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो क्योंकि मैं माँ की स्पेशल है, तो इसके लिए तो लाइक तो ज़रूर बनता है ना। बहुत ही ईजी भी रेसिपी है, आप ज़रूर ये रोलिंग फिश अगर कहीं भी मिलता है आप ज़रूर खाएँ, इसको टेस्ट कीजिए। और अगर आपके एरिया में रोलिंग फिश मिलता है, ऐसे प्रोसेस में आप करी बना के खाइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड है, मैं बोल सकती हूँ। ऐसे बना के खाइए और बोलिए आपको करी का टेस्ट कैसा लगा। ये देखिए सेमी थिक वाला ग्रेवी है, कितना अच्छा दिख रहा है और कितना अट्रैक्टिव भी दिख रहा है। और इसको ग्रेवी बना लेंगे वो भी टेस्टी लगता है। पता नहीं ये विलेज स्टाइल में कितना सिंपल स्टाइल में करी बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।